ना घर के रहे हैं ना बाहर के। हम बात कर रहे हैं उस जनता की जो बाहर चिलचिलाती गर्मी के साथ गुल बिजली का भी सामना कर रही है। इस वक्त 10 बज गए हैं, वक्त है घंटी बजाओ का और मैं हूं आपके साथ शीरिन। अप्रैल के इस महीने में पड़ने वाली गर्मी ने 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ऐसे में देश में गहराता बिजली संकट लोगों के लिए और भी ज्यादा मुसीबतें लेकर आए हैं। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की मार और दूसरी तरफ बिजली की मांग का भी नया रिकॉर्ड बन गया है और इस मांग के मुताबिक बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा। नतीजा ये कि देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां कई कई घंटों के लिए बिजली कटौती हो रही है। सरकारें एक दूसरे पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ रही हैं। तो सवाल ये कि बिजली संकट के बीच रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से आखिर बचाएगा कौन? पहले बिजली की रिकॉर्ड मांग, पंद्रह मिनट लाइट आती है, आधा पौना घंटा लाइट आती है। बहुत परेशानी हो रही है, देख रहे हैं अभी पसीना चल रहा है, रात में सोए नहीं ठीक से। लाइट बहुत खराब आ रही है, रात में 2 घंटे आती है, दिन में भी 2-3 घंटे आती है। अब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सितम, परेशानी बहुत हो रही है कि इतना टेम्परेचर है जिसको फिर हद में बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही। निकलने का मन तो नहीं कर रहा था, मजबूरी है कि भाई स्कूल तो लेने जाना ही पड़ेगा। कल तो 2013 के बाद सबसे ज्यादा गर्म दिन आ रहा है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ पारा ऊपर चढ़ा। न घर के रहे न बाहर के, बिजली संकट में गर्मी से कौन बचाएगा? यहाँ सूरज का प्रकोप देश पर इस गर्मी में पहले से कहीं ज्यादा है। दिन भर चलने वाली गर्म हवाओं के बीच मौसम विभाग के नए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल के महीने में गर्मी ने पूरे 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। IMD यानी इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अप्रैल में औसत अधिकतम तापमान 35.9 डिग्री सेल्सियस रहा। ये अप्रैल 2010 में दर्ज 35.4 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। मध्य भारत में अप्रैल में औसत अधिकतम तापमान 37.78 डिग्री सेल्सियस था, जो 1973 में दर्ज किए गए 37.75 डिग्री के औसत से ज्यादा था। ये आंकड़े 1901 से रिकॉर्ड किए जा रहे आंकड़ों के मुताबिक 28 अप्रैल 2022 तक उपलब्ध डेटा के अनुसार जारी किए गए हैं। यानी 122 साल के अप्रैल के महीने के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा गर्मी इस बार पड़ी है। IMD के मुताबिक इस साल अप्रैल में देश भर में हीट वेव और सीवियर हीट वेव यानी लू और भीषण लू की स्थिति के मामलों की संख्या भी बढ़ी है। यानी चुपती जलती गर्मी के इस मौसम में सड़कों पर निकलना, घर से बाहर झांकना एक बड़ी चुनौती है और कोशिश यही रहती है कि जब तक टाल सके बाहर कदम ही ना रखें। लेकिन गर्मी में दोहरी मार का शिकार हो रही है जनता, जब घर के अंदर भी राहत ना हो। कारण है बिजली की भी भारी मांग के चलते भारी कटौती और उस पर उत्पादन कम। ट्विटर पर बिजली की मांग को लेकर किए गए ट्वीट में शुक्रवार को बिजली मंत्रालय ने जानकारी दी कि पूरे भारत में बिजली की मांग अप्रैल 29 को दोपहर 2:50 तक 2,07,111 मेगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर रहा। और इस मांग को पूरा करने में नाकाम बिजली उत्पादन कंपनियों को मिलने वाले कोयले की कमी बताई जा रही है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि राज्य की बिजली उत्पादन कंपनियों पर सरकारी कोयला कंपनियों का करोड़ों रुपए बकाया है। सूत्रों के मुताबिक कोयला कंपनियों का सबसे ज्यादा बकाया महाराष्ट्र की राज्य बिजली उत्पादन कंपनी पर है। राज्य की बिजली कंपनी पर कोल इंडिया कंपनी का 2,608 करोड़ रुपए बकाया है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है और राज्य की बिजली उत्पादन कंपनी पर कोल इंडिया लिमिटेड का 1,066 करोड़ रुपए बकाया है। इसी तरह झारखंड सरकार की इकाई तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड पर भी कोल इंडिया लिमिटेड का 1,018 करोड़ रुपए बकाया है। चौथे नंबर पर तमिलनाडु सरकार की बिजली उत्पादन कंपनी है, जिस पर कोल इंडिया लिमिटेड का 823 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन कंपनी पर भी कोल इंडिया का 533 करोड़ रुपए बकाया है। और बिजली की गंभीर कमी से जूझ रहे राजस्थान की भी सरकारी बिजली उत्पादन कंपनी पर कोल इंडिया कंपनी का 429 करोड़ रुपए बकाया है। कोयले की कमी और सप्लाई में आड़े आने वाला बकाया भुगतान तो सरकारों का मसला है, फिर जनता इसमें क्यों पिस रही है?
ये राजस्थान के जोधपुर का हाल है। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठते हैं वैसे ही लाइट चली जाती है। ऐसे में रात के वक्त उन्हें या तो इमरजेंसी लाइट या मोबाइल की टॉर्च में काम करना पड़ता है। यहाँ बार बार होने वाली बिजली कटौती से बच्चे भी परेशान हैं और उनके माता पिता भी। हम पढ़ने बैठे तब लाइट चली जाती है, पता नहीं लाइट वापस कब आएगी। हमें फोन के टॉर्च जलाकर पढ़ाई करनी पड़े। रात को लाइट कटती है 8 बजे वापस, पता नहीं कितने बजे आती है। दिन को भी लाइट 2-2 घंटे कटती रहती है। लाइट का तो कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे कि काम के टाइम होता, पढ़ाई करने बैठते हैं 7-8 बजे, उस टाइम लाइट चली जाती है। और रात को 10-11 बजे आते हैं, तब तक तो हम थक जाते हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाते। ऐसे पहले स्कूल की टाइम रहती थी बच्चों की, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक जाते हैं। उसके बाद में वो वापस घर आते हैं तो 1 बजे 2 बजे 3 बजे कोई टाइम लाइट कर देते, फिक्स टाइम है नहीं। और दो हर का लाइट करती है, जिस टाइम 2 घंटे बाद में वापस लाइट नहीं आती है। शाम को 8 बजे बैठते हैं, भाई अभी ठंडा मौसम में पढ़ेंगे तो पढ़ने बैठते हैं, उस टाइम लाइट कट जाती है। रात को 10-11 बजे वापस लाइट आती है। जब तक बैठे बैठे बच्चे थक जाते हैं, सो जाते हैं, उसकी पढ़ाई पूरी हो नहीं सकती है। देश के कुल 16 राज्य कोयला संकट की वजह से बिजली संकट से जूझ रहे हैं, जिनमें शामिल हैं हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। बिजली की कमी के कारण राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर में बिजली कटौती का आदेश दे दिया गया। कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में भी सुबह 8 से 9 बिजली कटौती की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक बिजली कटौती का आदेश है। औद्योगिक इलाकों में शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली काटी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिजली संकट पर जनता से ही सहयोग मांग रहे हैं, गर्मी से बचने की हिदायत दे रहे हैं। बिजली संकट देखिए 16 राज्यों में है, 16 राज्यों में एक साथ संकट आया है। हर राज्य अपने अपनी कोशिश कर रहे होंगे तो भाई मिनिमाइज करो उसको, तकलीफ कम से कम पब्लिक को ही तो कर सकते हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं और राज्य लगे होंगे। आज 16 राज्यों में कोयले की कमी के कारण से संकट है, आप देखते होंगे मीडिया के अंदर भी। इसलिए हमारा प्रयास है, मैं 2 मीटिंग ले चुका हूँ कि कैसे बिजली के संकट में हम कम से कम तकलीफ लोगों को। जनता ने सहयोग मांगा है कि आप भी जरा कैसे बिजली का बचत कर सके, अनावश्यक आपका कूलर या फ्रिज नहीं चले। जो मई और जून वाली गर्मी मार्च अप्रैल में हो जाए 45 से अबो तो बोलते क्या होगा। चिंता हम तो कर रहे हैं कि मई जून में क्या होगा, कितनी गर्मी पड़ेगी। लू से बचना चाहिए आदमी को, क्योंकि लू लगने के बाद में आजकल आप देखिए बीमारियां हो रही है। गहलोत साहब लू से तो बच जाएं, लेकिन घर से बाहर नहीं जाएंगे तो घर में रहकर भी कहां जनता पर गर्मी का सितम कम होने वाला है। अनावश्यक फ्रिज न चलाने की राय भी आपकी बहुत खूब रही। और इसी हाल में देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी भी है। यूपी के लखीमपुर खीरी के लोगों की शिकायत है कि 24 घंटे में बमुश्किल 5 से 6 घंटे ही बिजली आ रही है, वो भी लो वोल्टेज में। ग्रामीण इलाकों में हालात और ज्यादा खराब हैं। किसान डीजल इंजन की मदद से फसलों को पानी दे रहे हैं। आपके यहाँ लाइट की लाइट बहुत खराब आ रही है। रात में 2 घंटे आती है, दिन में भी 2-3 घंटे आती है। वोल्टेज कैसे है? वोल्टेज डाउन है। क्या है लाइट की स्थिति? लाइट की स्थिति बहुत बेकार है। आती है जाती है, आती है जाती है, यही होता है। वोल्टेज वोल्टेज लो है। हालत यह है कि इलाके के बीजेपी विधायक खुद बिजली उपकेंद्र पहुंच गए और कहा कि अगर बिजली सप्लाई नहीं सुधरी तो वो चौराहे पर धरना देना शुरू कर देंगे। रोस्टर के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 19 से 20 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि शहरी क्षेत्र में 10 से 12 घंटे और गांवों में 6 से 8 घंटे की ही सप्लाई हो पा रही है। बिजली न आने के कारण बहराइच के लोगों की परेशानी सुनिए। मात्र 24 घंटे में 2-3 घंटे लाइट दिया जा रहा है। पूर्ण रूपेण कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार से इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बहुत ही दुखी हैं और किसान बहुत ही परेशान है। हाँ, चुनाव से पहले अच्छी लाइट थी, 18 घंटा 19 घंटा 17 घंटा कटत नहीं रही जल्दी, अब तो बिल्कुल एकदम से ध्वस्त हो गई। उत्तर प्रदेश में 4 सरकारी थर्मल प्लांट में से 3 में कोयले की कमी है। इन चारों प्लांट से 6,129 मेगावाट बिजली पैदा होती है। राज्य के विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश को लगभग 87,900 मैट्रिक टन कोयला रोज चाहिए और 61,300 मैट्रिक टन कोयला खाली मिल रहा है, यानी कि 30% कमी है। और अब यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा बिजली संकट का ठीकरा पिछली सरकारों पर फोड़ रहे हैं। और उधर अखिलेश कह रहे हैं समाधान के बजाय कारण गिना रही है सरकार। बिजली संकट कहलाता जा रहा है। बिजली का
बिजली का संकट हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले जो सरकारें थीं उनके द्वारा अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, कुव्यवस्था के चलते जो लचर व्यवस्थाएं हैं उनके कारण ये सारा बिजली का संकट खड़ा हो रहा है। अगर उन्होंने समय से उत्पादन इकाइयां लगाई होती, अगर उन्होंने समय से ट्रांसफार्मर लगाए होते, अगर उन्होंने समय से ट्रांसमिशन लाइनें लगाई होती तो आज ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। हम इस समस्या से निपटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, अगर इसने कोशिश की होती कि बिजली के लग रहे कारखाने पूरे हो जाएं, कोयला समय पर पहुंच जाए, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस संकट से, इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। सोचिए, छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें घरों में हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, किस तकलीफ में रह रहे हैं, और कब बिजली आएगी और कब चली जाएगी। इन मंत्रियों के कार्यक्रमों में भी बिजली चली जा रही है, इसलिए बिजली का संकट पैदा किया है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर तो कभी राज्य केंद्र को घेर रहे हैं, लेकिन जनता की चिंता किसी को नहीं। हरियाणा के शहरी इलाकों की भी हालत खराब है। अंबाला के लोग दिन में 30 से 35 बार लाइट कटने की शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिजली कटौती का कोई शेड्यूल भी नहीं है, किसी भी वक्त लाइट चली जाती है। दिन भर में कुल मिलाकर 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। लाइट बहुत परेशान कर रही है। पूरे दिन काम करने के बाद रात को घर जाकर सोने का नींद का टाइम होगा 12:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर सबेरे 5 बजे, फिर 6 बजे। 15-15 मिनट लाइट आती है, आधा आधा पौना घंटा लाइट जाती है। पूरी रात सो नहीं पाते हम। अभी तो गर्मियाँ की शुरुआत हुई है, अभी तो हम अप्रैल के महीने में बैठे हैं और अभी तो मई जून अभी आना बाकी है। अगर अभी से ये हाल होगा तो आने वाले समय में क्या होगा। लोगों की इस परेशानी का बिजली विभाग के पास भी कोई हल नहीं है। उनका कहना है कि किल्लत है, इसीलिए कटौती करनी पड़ रही है। अभी हमारी जो डिमांड और परचेज को बैलेंस करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए, ये हमें फ्रीक्वेंटली जो कट लग रही है इसी की वजह से लग रहा है कि ताकि ग्रिड को मेंटेन करे और वो एकदम से कोलैप्स ना हो जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये कट लगाने पड़ते हैं। अब ये जैसे डिमांड और जो रिसीविंग पावर हो बराबर हो जाएगी फिर ये कट नहीं लगाएंगे। और अब हरियाणा में बिजली संकट पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि क्या हरियाणा की बिजली गुजरात की कंपनी को भेजने का घालमेल चल रहा है। खट्टर सरकार और प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर मिलकर हरियाणा के हकों पर डाका डाल रहे हैं। खट्टर सरकार ने अडानी समूह के आगे घुटने क्यों टेके, कार्रवाई क्यों नहीं की। भाजपा जजपा सरकार हरियाणा के हितों की रक्षा की दुहाई देकर बनाई गई थी। बिजली के भीषण संकट में वो हरियाणा की बिजली को प्राइवेट कंपनी को वो भी मुफ्त में क्यों बेच रहे हैं। उधर सुरजेवाला के आरोपों को नकारते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बिजली संकट की वजह कोयले की कमी को बताया। देखिए, बिजली दे रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाना उनको आज बड़ा आसान लगता है। वो समय भूल गए हैं, अपने समय के समय जब प्रदर्शन होते थे, मटके फूटते थे, लोग जो है तरह तरह के उनको विषय कहते थे। कम से कम मैं पिछले 6 साल का कह सकता हूँ कि पावर डिपार्टमेंट के नाते से इतना सुधार हमने किया है कि हमने गांव-गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का जो वायदा किया था। मेरा गांव जगमग गांव ये योजना चलाई थी, 5600 गांव में 24 घंटे हमने बिजली देने के लिए इस काम को पहुंचा दिया था। अब बाकी उसमें केवल 800 गांव बचे हैं, वो जो जल्दी पूरा कर देंगे। कोयले की तंगी हो गई है, तो उस कोयले की तंगी के कारण से सब जगह के जो थर्मल प्लांट्स हैं उसमें कई बंद हुए हैं। केवल हमारी समस्या नहीं है, सारे देश में हर जगह समस्या है। भारत में कुल बिजली उत्पादन का करीब 70% कोयले के जरिए होता है। 27 अप्रैल तक घरेलू कोयले पर निर्भर 86 प्लांट कोयले की किल्लत का सामना कर रहे हैं। आयातित कोयले पर चलने वाले 15 में से 12 प्लांट्स में कोयले की कमी है। फिलहाल देश के 165 प्लांट्स में अनिवार्य स्टॉक का 33% कोयला बचा है, जो 10 दिनों की जरूरत पूरी कर सकता है। चिलचिलाती गर्मी में गहराते बिजली संकट के बीच सरकारें आरोपों प्रत्यारोपों में उलझी हैं। उधर कोयला सप्लाई के लिए रेलवे ने 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द भी की।
लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए और हालात जस के तस बने रहे तो मई जून तक आते आते जनता के लिए मुसीबतें कई गुना बढ़ जाएंगी। ABP News, आपको रखे आगे।